नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। अच्छा, 12वीं की लड़की को मां ने मोबाइल नहीं दिलाया, उसने चूहा मार खा लिया। संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कल दोपहर तक उसकी हालत बेहतर थी, शाम होते होते लगभग 5 बजे उसकी मौत हो गई। माँ ने मोबाइल नहीं दिलाया, बिटिया ने चूहा मार खा लिया। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीती शाम 5 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें, सिरमौर थाना अंतर्गत दुलहरा गांव की कक्षा 12 की लड़की ने, जिसकी उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी, अपने घर में रखी चूहा मार खा ली थी, जैसा कि उसकी बड़ी मां ने बताया था। ये खबर हम आपको कल ही बता चुके थे। खबर लिखे जाने तक उसकी हालत कल ठीक थी, कहीं से नहीं लग रहा था उसकी मौत हो सकती है। शाम होते होते उसकी मौत हो गई, लगभग शाम को 5 बजे के आसपास लड़की ने अंतिम सांसें ली। मामला बहुत छोटा सा था, कक्षा 12 में लड़की पढ़ती थी। लड़की ने अपनी माँ से एंड्रॉइड मोबाइल की मांग की थी, माँ उसको मोबाइल नहीं दिला पाई, जिसके चलते उसने घर पर रखी चूहा मार दवा खा ली। परिजन उसको इलाज के लिए पहले सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ से उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने लड़की को भर्ती करके संजय गांधी अस्पताल में उपचार प्रारंभ भी कर दिया था, लेकिन शाम होते होते उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हमने लड़की के परिजनों से बात करने की कोशिश की रीवा के पोस्टमार्टम रूम के पास, तब उनका साफ तौर से कहना था, पहले उसने हमें कुछ नहीं बताया था, बस उसकी तबीयत खराब थी। हमें यह जानकारी थी जब हमने उनसे पूछा कि मोबाइल मांगा था, मोबाइल ना दिलाने पाने की वजह से क्या उसने ये कदम उठाया। तब उनका कहना था, हाँ, लड़की की मां ने बताया था उसको मोबाइल चाहिए था, लेकिन हम मोबाइल नहीं दिला पाए। यही बात लड़की की बड़ी मां ने भी कल हमको बताई थी। आज के दौर में जिस तरीके से बच्चे लगातार छोटी छोटी बातों के लिए जिद करते हैं, परिजन अगर बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाते तब वह इस तरीके का आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, जैसा कि इस लड़की ने उठाया। कल रीवा में इसी तरीके का एक और मामला देखने में नजर आया था, जहां पर 12 साल के लड़के ने नए कपड़े ना मिलने की वजह से घर के दरवाजे बंद करके फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। वह कक्षा 6 में पढ़ता था। यहाँ पर लड़की उससे दुगनी क्लास 12वीं क्लास में पढ़ती थी, समझदार थी, घर की स्थिति को भी बेहतर तरीके से जानती। लड़की ने मोबाइल की मांग की, मां ने मोबाइल नहीं दिलाया तो उसने चूहा मार दवा खा। संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में 983/22 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। कल जब हमने लड़की की बड़ी मां से बात की थी, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले हम आपको वह सुनाते हैं, उसके बाद सुनिए आज लड़की। सर, मैं इसकी बड़ी माँ, इसकी मैं बड़ी माँ, हमारा घर पुस्तूर है। इसने मोबाइल को कह रही थी माँ से अपने, पापा बोल के अभी पैसा नहीं, बड़ा वाला मोबाइल चाहिए, हम पढ़ते हैं तो सब काटते हैं, अब हम लोग तो काटने चले गए, बस पता नहीं कि क्या करिए क्या बताए। मैंने हॉस्पिटल में बताई कि मैंने मूस वाली दवा। किस क्लास में पढ़ती है? 12वीं। 12वीं पढ़ती हूँ। उसने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, वहाँ से सिरमौर ले गया, सिरमौर से रेफर कर दिए तो यहाँ लाया, पता नहीं क्या हो गया था, वो बता ही नहीं, बता नहीं पाए। मोबाइल मांगा था? मोबाइल तो हो गया, माँ ने बताया कि मोबाइल मांगा था, लेकिन मोबाइल ले नहीं पाया। आपकी कौन थी? वो मेरे नाती नहीं, बाबा है। आपका क्या नाम है? रामाश्रय साखरी। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।